हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवना पुरी। सो आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 और उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्स डिटरमिनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्स डिटरमिनेशन। सो बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैंकिंग, जिन्होंने 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया था। 1891 में हैंकिंग ने, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स, ठीक है, इन इंसेक्ट उन्होंने स्टडी किया था। तो जब वो इंसेक्ट्स के अंदर देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई जो स्पर्म की फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, सो ही फाउंड आउट, उनको पता चला कि 50% स्पर्म ऐसे है मेल, मतलब जो इंसेक्ट है उनके अंदर, जिनके पास एक्स बॉडी प्रेजेंट है, और 50% ऐसे हैं जिनके पास एक्स बॉडी नहीं है। तो हमने यहाँ पर ओ या फिर जीरो से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो हैंकिंग ने ये बोला कि जब भी इंसेक्ट्स में, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में, जब भी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, तो वो दो तरीके के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। 50% स्पर्म्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक्स बॉडी प्रेजेंट होगी और रेस्ट 50% ऐसे हैं जिनके अंदर एक्स बॉडी नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो मेल का यहाँ पर जो कैरियोटाइप है, क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है, वो एक्स ओ टाइप है, जबकि फीमेल के अंदर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो पता चला यार फीमेल के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। एक्स क्रोमोसोम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो एक्स बॉडी हैंकिंग ने डिस्कवर की थी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद पता चला कि वो एक्स बॉडी एक्चुअल में एक्स क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेल के अंदर जो एक्स ओ टाइप क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर एक्स एक्स टाइप क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का कोई एग्जांपल बताइए। तो एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का जो एग्जांपल है वो क्या है, यहाँ पर हम आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्रास ऑपर, जो कि आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन, उसके अलावा कॉकरोच वगैरह भी जो अदर इंसेक्ट्स है, है ना, वो सब भी इंक्लूड किए जाते हैं एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में। लेकिन जैसे हम ड्रोसोफिला के बारे में बात करेंगे, तो जो ड्रोसोफिला है वो एक इस तरीके का इंसेक्ट है जिसके अंदर, जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फ्रूट फ्लाई के बारे में, जब पीएच मॉर्गन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो ड्रोसोफिला है वो एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और फीमेल्स के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो बच्चे ये देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ह्यूमन जैसा हो गया। ह्यूमंस के केस में भी जो मेल होते हैं उसमें दो तरीके के गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो एग की फॉर्मेशन हो रही है, इट कंटेन्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन और ड्रोसोफिला दोनों के अंदर ही, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, देख के पता चलेगा कि मेल के अंदर ही दो तरीके के स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चे एक टर्म आप यहाँ पर पढ़ोगे, मेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी, इसका मतलब क्या है कि मेल के पास दो तरीके के गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, और फीमेल हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है कि अगर फीमेल के पास दो तरीके के एग या फिर गैमेट की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर मेल हेट्रोगैमेटी में आप ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हो या फिर ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन फीमेल हेट्रोगैमेटी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारे पास है फाउल यानी कि बर्ड्स का। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है उसके पास दो तरीके के गैमेट्स हैं, विचार जेड डब्ल्यू, और जो मेल है उनके पास एक ही तरीके के हैं दोनों, विच इज जेड जेड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके केस में मेल के पास दो तरीके के गैमेट्स हैं, तो ये मेल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसका एक्स क्रोमोसोम जाके फीमेल के साथ फ्यूज करेगा या फिर इसका वाई क्रोमोसोम जाके फीमेल के साथ फ्यूज करेगा, है ना। तो बेसिकली जो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेल हेट्रोगैमेटी में वो मेल के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। क्यों? क्योंकि उसके पास दो तरीके के गैमेट्स हैं, जबकि फाउल यानी कि बर्ड्स के केस में ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सेक्स क्या होगा उसका, वो मेल होगा या फिर फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास जेड और डब्ल्यू दो तरीके के गैमेट्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के केस में जैसे कि मैंने बताया, सेक्स डिटरमिनेशन जब ह्यूमन में आप बात करते हो तो आप एक क्रॉस बनाते हो, जैसे कि ये नॉर्मल फीमेल है और ये मेल है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर फीमेल में एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो फीमेल, अगर वाई के साथ फ्यूज करेगा तो मेल,
कि सिमिलर वही फीचर्स वही रिजल्ट आपके पास आएगा, तो 50% चांसेस है कि फीमेल फॉर्म होगी, प्रोड्यूस होगी, और 50% चांसेस है कि मेल. क्लियर है? तो जब सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन होता है तो वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल. तो हम स्टडी करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबीज. ठीक है भाई, तो जो हनीबीज है उनके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन है उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है. हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन है उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है. वो इसलिए क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल के बारे में, जो फीमेल हनी बी है जनरली दे कंटेन 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो मेल होते हैं उनके पास होते हैं 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो भाई हनी बी के बारे में हमें पता है कि बेसिकली होता क्या है, एक क्वीन होती है ना, जो क्वीन होगी उसके अलावा जो वर्कर जो बाकी फीमेल्स होती है, सिर्फ क्वीन ऐसी है जो कि रिप्रोड्यूस करेगी, और जो बाकी वर्कर फीमेल्स है वो सब क्या होती है, स्टेराइल होती है. ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, जो मेल होते हैं उनका जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है, उसके अलावा एज सच मेल कोई भी काम नहीं करते हैं जो हनी बी है उनके हाइव्स के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पर जो फीमेल है एज आई टोल्ड यू कि 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर होगी, तो फीमेल में जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो भाई मियोसिस होगी, मियोसिस के रिजल्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें हैप्लॉइड क्या बन गए, गैमेट्स मिल गए. ठीक है, अब मेल के बारे में बात करोगे ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो हैप्लॉइड सेल्स गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस से ही बनेंगे, फर्दर कोई मियोसिस उसके अंदर नहीं होगी. क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो मेल है वो ऑलरेडी क्या होते हैं, हैप्लॉइड. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेल हैप्लॉइड है और जो फीमेल है वो है डिप्लॉइड. तो इस तरीके की डिटरमिनेशन को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है. तो यहाँ पर देखिए, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो क्या बना, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके पास प्रेजेंट है, फीमेल के पास. तो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की, सो इट विल प्रोड्यूस अ फीमेल विद 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन एक टर्म आपने पढ़ी है पार्थिनोजेनेसिस. तो भाई पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है, द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन. जब भी फीमेल गैमेट में बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होने लग जाती है और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस. तो भाई इसके अंदर जो मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैप्लॉइड है और वो बिना फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनेंगे, जो फीमेल प्रोड्यूस हो रही है वो डिप्लॉयड है एंड दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए आप उनकी प्लॉयडी को चेक कर सकते हो, मतलब हैप्लॉयड है या फिर डिप्लॉयड है. इसीलिए हनी बी के अंदर जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है उसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हम यहाँ पर लिख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉयड या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटरमिनेशन. ठीक है भाई, रीजन यही है जो मैंने बताया कि यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो मेल है वो हैप्लॉइड है और जो फीमेल है वो डिप्लॉइड है. क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में. सो बच्चे, व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन है क्या, जैसे कि कोई भी एक सिंपल सीक्वेंस है डीएनए का या जीन का, अगर वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो वो जो चेंज आ रहा है किसी भी सीक्वेंस ऑफ डीएनए में या फिर जीन में, सो दिस चेंज इज रिफर्ड टू एज म्यूटेशन. ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जीन्स के सीक्वेंस में चेंज आना उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन. ठीक है भाई, अब वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि म्यूटेशन करवाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले म्यूटेशन को डिफाइन कर रहे हैं, एनी चेंज या फिर द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और अ जीन, इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर अ जीन, तो उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन. अब म्यूटाजन क्या है, म्यूटाजन्स आर बेसिकली द म्यूटेशन कॉजिंग फैक्टर्स. म्यूटेशन करवाने वाले जो फैक्टर्स हैं उसको कहा जाता है म्यूटेजन. ठीक है, आप देख रहे हो कि मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख रही हूँ, है ना. तो बच्चे जो ग्रामर है वो आप खुद से ऐड कर सकते हो, ऐसा मत करना कि यहाँ पर मैंने एक टर्म लिख दिया उसको समझाने के लिए तो आप आंसर में एक टर्म लिख के आ गए हो, एटलीस्ट एक लाइन में आप उसको अरेंज कर सकते हो, लाइक दीज आर दी फैक्टर्स दैट कॉजेज म्यूटेशन, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा मत, बिल्कुल लाइन टू लाइन ऐसे लिख के आ जाओगे, सोचोगे यार मैम ने तो ऐसा नहीं करवाया था, है ना.
तो आप खुद से इसमें इज एम आर तो जोड़ ही सकते हो भाई। तो अगर पूछा म्यूटेजेंस क्या है तो आप बताओगे दोज फैक्टर्स दैट कॉज म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे म्यूटेजेंस। आप डायरेक्टली ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, वैसे ये टू द पॉइंट है, आप ऐसे ही लिखना चाहिए और आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखा करें, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखू तो भाई निकोटीन एक एग्जाम्पल है जो कि म्यूटेशन करवा सकता है ना। आप यूवी रेज ले सकते हो भैया, म्यूटेशन करवा सकते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करवा सकते हैं, कैंसर भी करवा सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल ले लो तो वो है मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हार्मफुल फैक्टर्स है हमारे एनवायरमेंट में जो कि रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब भाई ये जो म्यूटेशन है ये दो तरीके के हैं, होती तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो बेसिक हम आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं वो है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अभी पॉइंट म्यूटेशन है क्या, इसके अंदर क्या होता है, तो बच्चे पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है किसी भी एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आना। तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास है वो बेस पेयर से न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, अगर एक सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, उसे हम क्या कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बच्चे इसका एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो है सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, उसमें पॉइंट म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरे टाइप की म्यूटेशन है वो क्या है, उसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो कुछ इस तरीके से हैं कि या तो डिलीशन हो जाएगी किसी ना किसी एक जीन की या फिर किसी एंजाइम की जो कि प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो हम यहां पर लिख रहे हैं डिलीशन ऑफ अ जीन, डिलीशन ऑफ अ जीन और न्यूक्लियोटाइड्स, खाली एक न्यूक्लियोटाइड की मैं बात नहीं कर रही हूं, न्यूक्लियोटाइड्स हम यहां पर लिख रहे हैं, डिलीशन ऑफ अ जीन और न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड्स फॉर दैट कोड्स फॉर एनी प्रोटीन, जो किसी भी एक प्रोटीन के लिए कोड करेगी, ठीक है भाई। तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है अगर उसके अंदर से पूरा का पूरा सीक्वेंस ही गायब हो जाए जो कि कोड कर रहा है किसी भी प्रोटीन के लिए, है ना, तो क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो ही चेंज हो जाएगा। बच्चे इसका एक एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोनूरिया, यानी कि PKU, हम यहाँ पर लिख रहे हैं फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन को कॉज करवाने वाले फैक्टर्स के बारे में, एंड देन पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कुछ ऐसे भी सीक्वेंस हो सकते हैं क्रोमोसोम्स के जो कि ऑल्टर हो जाते हैं, है ना, उसको क्रोमोसोमल एब्रिगेशंस कहा जाता है। उसके केस में क्या होगा, मान लो कोई क्रोमोसोम का सीक्वेंस है उसमें एक ऐड हो गया तो इंसर्शन हो गया, उसमें से एक डिलीट हो गया, है ना, तो वो डिलीशन हो गया, या अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया तो इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो जो क्रोमोसोमल यहाँ पर एब्रिविएशंस है आपसे एनसीईआरटी में पूछ लिया जाता है, तो उसमें जैसे कि आपका सिंड्रोम्स आ जाएंगे, कुछ डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस। बेसिकली होता है क्या, जब भी कोई क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है उसमें लॉस या गेन होता है, तो अगर कभी भी किसी क्रोमोसोम में कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम डिलीशन कहते हैं, अगर किसी क्रोमोसोम का सीक्वेंस गेन हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब भी लॉस हो रहा है गायब हो रहा है तो वो डिलीट है, तो गेन होने पर इंसर्शन होगा, इंसर्शन, और एक होता है एक और जिसको हम कह देते हैं इन्वर्शन या फिर एडिशन भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर लॉस या गेन होता है, तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स या सीक्वेंसेस को हम क्रोमोसोमल एब्रिविएशन कहते हैं, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स अब आगे पढ़ोगे, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक एग्जांपल है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया जिसमें एडिशन हो जाता है 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स क्रोमोसोम का, तो 21st पे ट्राइजोमी हो जाती है, ठीक है, दो की जगह तीन क्रोमोसोम हो जाते हैं, है ना, 21st क्रोमोसोम पे एडिशन हो रहा है, सॉरी एक्स क्रोमोसोम का नहीं, जो नॉर्मल ऑटोसोम्स है उसकी एडिशन हो रही है यहाँ पर। फिर एक टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स ओ टाइप रह जाता है, 44+XO, क्लियर है। अब ये तो हो गया क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस, और इससे पहले जो म्यूटेशन पढ़ा था उसमें जीन्स या डीएनए के सीक्वेंस में चेंज। तो यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पेडिग्री एनालिसिस। बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, वो एक फैमिली ट्री है, फैमिली चार्ट है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रही है ना। तो जो पेडिग्री एनालिसिस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट कहते हैं, है ना। तो ये किस चीज के लिए, टू स्टडी द डिजीजेस, टू स्टडी द डिजीजेस, ये बीमारियों को स्टडी करने के लिए होता है, ठीक है भाई। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स है बच्चे, तो कुछ सिंबल्स है जिसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो वो कौन कौन से सिंबल्स है, देखिए अगर इस तरीके का कोई सिंबल बना है तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल होगा तो फीमेल, ठीक है। अगर यहाँ पर इनके बीच में एक लाइन बनी हुई है, मतलब मेटिंग, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर दो लाइन बनी हुई है तो उसका मतलब है मेटिंग इन जो क्लोज रिलेटिव है उनके बीच में, कंजाइनियस मेटिंग इसको कहा जाता है। और अगर इस तरीके के सिंबल बने हुए हैं यहाँ पर देखिए, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ऊपर वाले जो यहाँ पर जनरेशन है वो पेरेंट को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाले जो जनरेशन है वो ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इस तरीके का सिंबल है दैट मीन्स सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर इसके अंदर यहाँ पर नंबर लिखे मतलब पांच बच्चे, फाइव ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इसके शेडेड है तो उसका मतलब है उनको डिजीज है, वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि ये किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा आपको नजर आ रहा है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, देन इट शोज द फीमेल, यहाँ पर मेटिंग रिप्रेजेंट की जा रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले में क्या है, मेटिंग इन क्लोज रिलेटिव्स, मेटिंग इन क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर पेरेंट, जो ऊपर वाली ये जो जनरेशन आपको दिख रही है वो पेरेंट्स हैं और जो नीचे वाले हैं वो बच्चे ऑफस्प्रिंग यानी कि चिल्ड्रन, लोअर चिल्ड्रन, ठीक है। ये कई बार सिंबल आ जाते हैं और आपसे पूछा जाता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या है फिर, सेक्स अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड, ठीक है। यहाँ पर फाइव चिल्ड्रन, पांच बच्चे, फाइव इंडिविजुअल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अफेक्टेड यानी कि डिजीज, अफेक्टेड यानी कि जो इंडिविजुअल्स है वो कैसे है, वो डिजीज है, उनको बीमारी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, जो पेडिग्री चार्ट है वो किस तरीके से बना होगा, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक पेडिग्री चार्ट है जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर इनके बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग है, ये इस तरीके से है, ठीक है। फिर ये आगे ऐसे, अब इनकी यहाँ पर मेटिंग हुई तो उनके भी बच्चे आए, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये थी जनरेशन वन, ये है सेकेंड और ये है जनरेशन थ्री, थर्ड, सही है ना। अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं इन पेडिग्री चार्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि ये बीमारियों को रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग डिजीज को। तो डिजीज भी कितने तरीके की होती है वो पता होना जरूरी है। बच्चा आप देखोगे हम दो तरीके की डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक होती है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, और दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड, एक है ऑटोसोमल और दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड। तो जो ऑटोसोमल बीमारियां हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं हमारी बॉडी में, 44%, तो उसमें से जो 44 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन सा, एक्स और वाई, एक्स और वाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, वाई क्रोमोसोम कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स, जो वाई क्रोमोसोम है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीन होते हैं, फ्यूएस्ट, ठीक है। और वो जीन जो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हॉलेंड्रिक जीन्स कहा जाता है, हॉलेंड्रिक जीन्स, ठीक है, जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली जब भी मैं सेक्स लिंक डिजीज के बारे में बात करती हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स क्रोमोसोम, ना कि वाई, क्योंकि मैंने बोला कि वाई क्रोमोसोम पे मिनिमम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी के तरीके से जैसे ऑटोसोमल और सेक्स लिंक है, वैसे ही डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। तो भाई डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से बताती हूँ। जो डोमिनेंट फीचर होता है भाई, वो हर जगह पर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो रिसेसिव फीचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी ऐसी बीमारी है जो हर जनरेशन में अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रही है, तो फिर वो डिजीज होगी डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो जनरेशन स्किप हो रही है, मान लो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से डिजीज है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोई आपको डिजीज एक्सप्रेस की है ऐसे, ठीक है भाई। अब फर्स्ट जनरेशन में भी कोई ना कोई डिजीज है, सेकेंड जनरेशन में भी कोई ना कोई डिजीज है, और थर्ड जनरेशन में भी। तो अगर कोई भी ऐसी बीमारी होगी जो हर जनरेशन में अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगी,
इस तरीके की डिजीज कहलाती है डोमिनेंट। लेकिन अगर ऐसा होता यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखता, ठीक है, अगर इस तरीके की बीमारी है कि फर्स्ट जनरेशन में आपको नहीं दिख रही है वो बीमारी, लेकिन सेकेंड और थर्ड जनरेशन में दिख रही है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ वो डिजीज है रिसेसिव, क्योंकि जनरेशन स्किप हो गई, समझ रहे? तो भैया डोमिनेंट का मतलब है नो जनरेशन गैप, कोई भी ऐसी बीमारी जो कि हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, है ना। लेकिन रिसेसिव का मतलब क्या है, यहाँ पर जनरेशन का गैप आ जाता है, जनरेशन स्किप हो जाती है। क्लियर है भाई? ऑटोसोमल और सेक्स थिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? जो भी ऑटोसोमल बीमारियां होती हैं वो 50-50% चांसेस है कि लड़का और लड़की दोनों में जाएंगी। ऑटोसोमल जो बीमारियां होती हैं 50-50% चांसेस है कि बॉय और गर्ल दोनों में जाएंगी। लेकिन जो सेक्स लिंक्ड है, फिर ध्यान से देखो, एक्स और एक्स वाई, तो जो एक्स एक्स है वो नॉर्मल फीमेल है और एक्स वाई नॉर्मल मेल है, ठीक है। तो अगर कोई भी डिजीज जिसको हम कह रहे हैं कि सेक्स लिंक्ड है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस डिजीज या डिसऑर्डर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट। तो यहाँ पर मैंने एच लिखा है, तो ये क्या है, हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर भी मैंने एच लिखा है, ठीक है भाई। एक बात बताइए, फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल के बारे में बात की जाए तो एक एक्स है और दूसरा वाई है ना। तो जो मेल का एक्स है वो किसके अंदर जाता है, आगे जो आएगा बच्चा उसमें मेल में जाएगा या फीमेल, फीमेल में जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्स यूज करेंगे तो फिर एक फीमेल बनेगी। तो जो मेल का वाई है वो किस में जाता है, मेल में, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ जो गर्ल है, जो यहाँ पर फीमेल है, उसका जो एक्स क्रोमोसोम है अगर वो बीमारी करवा रहा है तो फिर वो किसमें, मेल में करवाएगा। भाई इसका जो रीजन है वो ये है कि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम में कोई डिजीज का वो जो जीन है उसमें कोई चेंजेस आ भी जाए तो जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो कंपेंसेट कर सकता है कि नहीं। लेकिन अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम में कोई भी डिफेक्ट है तो जब वो वाई के साथ फ्यूज करेगी तो उस बच्चे को, लड़के को वो बीमारी होगी ही होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं कंपेंसेट करने के लिए। तो इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मदर है वो हमेशा जो डिजीज है वो करवाती है सन को, और जो फादर है वो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज करवाने के लिए किसको, डॉटर को। तो इसका मतलब है जितनी भी सेक्स लिंक डिजीज या बीमारियां होती है जनरली उसके अंदर क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। यानी कि जो मदर है वो सन को डिजीज करवाएगी और जो फादर है वो डॉटर को डिजीज करवाएंगे। तो रिसेसिव को कैसे पता चलेगा भाई, एक्स और वाई में से जो एक्स है वो रिसेसिव है, ठीक है ना। तो जो सेक्स लिंक डिजीज है वो जनरली क्या होती है, रिसेसिव होती है। और रिसेसिव को देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली जनरेशन में गैप है, पहली जनरेशन स्किप हो गई, लेकिन सेकंड में भी कोई ना कोई डिजीज है और थर्ड में भी, है ना। और यहाँ पर दोनों में ही मेल को बीमारी हो रही है, तो उसका मतलब है सेक्स लिंक है, और क्योंकि जनरेशन स्किप हो रही है तो ये रिसेसिव। अगर यहाँ पर मेल फीमेल दोनों को बीमारियां हो रही होती तो इसका मतलब है वो ऑटोसोमल डिजीज होती, है ना, क्योंकि जनरेशन स्किप है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती, ठीक है। तो चलिए एक मैं एग्जांपल यहाँ पर बना के देख लेते हैं कि अलग अलग कोई चार्ट अगर हम बनाए तो लाइक ये एक चार्ट बना देती हूँ मैं। यहाँ पर ये पेरेंट है, मेटिंग के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो ये रहे यहाँ पर, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों का, है ना। मान लो यहाँ पर इस तरीके से ये जो बच्चे हैं वो क्या है, डिजीज है, ठीक है। इस जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं है और नेक्स्ट जनरेशन में भी किसी ना किसी को क्या हो गई, बीमारी हो गई। तो क्योंकि यहाँ पर 50% बॉय और 50% गर्ल दोनों को ये डिजीज है, तो इस तरीके की बीमारी कौन सी होती भाई, ऑटोसोमल होती है। और क्योंकि यहाँ पर पहली जनरेशन में नजर नहीं आ रही है बीमारी, तो ये कौन सी हो गई, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, क्लियर है। लेकिन अगर यही पैटर्न कुछ इस तरीके से होता कि यहाँ पर देखिए ये फीमेल तो नॉर्मल है, पहली जनरेशन में किसी को बीमारी नहीं है और नेक्स्ट वाली में भी दोनों केसेस में लड़कों को बीमारी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मदर थी यहाँ पर, है ना, मदर का यहाँ पर मदर डिजीज नहीं थी, वो सिर्फ कैरियर थी। तो मदर ने जब यहाँ पर क्रॉस किया इस वाई के साथ तो जो बच्चा आया है वो कैसा होगा, डिजीज होगा, क्लियर है। दोनों ही केस में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को बीमारी हुई, वो है मेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजीज है ये कौन सी है, सेक्स लिंक, कौन सी डिजीज है, सेक्स लिंक, और इसमें भी पहली जनरेशन में स्किप है, कोई भी डिजीज नजर नहीं आ रही, तो ये कौन सी हो गई, सेक्स लिंक रिसेसिव। तो
तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कोई भी जो डिजीज है सेक्स लिंक डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट तो रेयरली आपको मिलेगा, सेक्स लिंक रिसेसिव मिलेगी, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो कई बार वो वन मार्क में पूछ भी लिया जाता है, तो बच्चों को जनरली रिसेसिव पता है, डोमिनेंट पता ही नहीं है, जबकि वो आपकी बुक में गिवन है, तो आप उसको ध्यान से पढ़े। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट एक डिसऑर्डर है, जिसका एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।